बिहार के जहानाबाद में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। वहां बाबा सिद्धार्थनाथ मंदिर में भगदड़ में करीब 7 श्रद्धालुओं की जान चली गई है और कई लोग फिलहाल जो जख्मी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक चौथे सोमवार के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी, उसी दौरान अफरा तफरी मच गई, जिसकी वजह से हादसे में 7 लोगों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है और अभी भी कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अभी भी निकाला जा रहा है। और काफ़ी श्रद्धालु कई दूर से दर्शन के लिए आए थे, जहां बताया जा रहा है कि रात करीब 12 बजे के बाद लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। सोमवार के दिन में ऐसे सोमवारी संवाद के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ जाती है। मामला क्या है, सब लाइन में भीड़, काफ़ी भीड़ थी, लाइन में लगे हुए थे, सब लाइन में लगे हुए थे। तो एक फूल वाला जो सबसे ऊपर है ना, वो फूल वाला से बम का कोई बात लेके झगड़ा हो गया कि हमारे दुकान के तरफ किधर झुक रहे हो, तो ये भी लोकल आदमी होगा, वो भी कड़क गया, तो दोनों में डंटा चलने लगा, तो सब पीछे भगदड़ हो गया था, आदमी पर आदमी गिरने लगे, काफ़ी भीड़ था, आदमी पर कितना लोग चप के मर गए, कितना लोग घायल हो गए। फूल सबसे ऊपर जो फूल माली है ना, वही ऐसे किया था, वही डंटा चलाया था, उसी के वजह से सारा ये सब हुआ। या प्रशासन कोई के वहाँ टाइट नहीं, रास्ता में टाइट था, लेकिन वहाँ पर प्रशासन टाइट नहीं था, एक भी प्रशासन के भी कमी है। बताया जा रहा है कि भीड़ अनियंत्रित होने के बाद सोमवार को वह सीढ़ी की वजह से लोग गिरने लगे, उसकी वजह से भगदड़ मच गई और ये स्थिति बन गई। स्थिति खास जहां बुजुर्गों और महिलाओं के लिए ख़राब हो चुकी है, वहीं हादसे का शिकार हुए बहुत सारे लोग कुचल गए, जिनमें 7 लोगों की जान चली गई। यहां बताया जा रहा है कि जान जाने का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि लगातार प्रशासन की टीम अभी घटना स्थल पर मौजूद है और यहां पर पूजा अर्चना की भी की जा रही है, लेकिन तमाम सावधानियों और सतर्कता के साथ। हालांकि अभी तक भगदड़ की वजह साफ तौर पर सामने नहीं आ पाई है, लेकिन भगदड़ के बाद 7 लोगों की जान चली गई है और काफ़ी लोग फिलहाल जख्मी और अस्पताल में भर्ती हैं। ये जो दुर्घटना है दुर्भाग्यपूर्ण है, इतना बड़ा घटना आज तक नहीं हुआ है, जांच का विषय है। जब तक जांच पूरा नहीं हो जाता है तो किसी आरोप प्रत्यारोप लगाना अच्छी बात नहीं है। और क्या मांग करते हैं? नहीं, जिला प्रशासन तो आपका बहुत टाइट है, वहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था भी किया था, और जो जिला प्रशासन है अभी ऐसे दोषी नहीं मान लेंगे जब तक ये जांच का सामने मामला नहीं आ जाए। हाँ, जिला प्रशासन से एक चीज चाहते हैं कि आगे उस पर ध्यान रखे, और दूसरी बात कि जो मृतक है सबका उचित मुआवजा मिले, एक एक नौकरी भी मिलना चाहिए उसको, और जो लोग दोषी हों उसको बख्शा भी नहीं जाए। मंदिर में पुजारी के सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं और साथ ही भीड़ का आना जाना कम कर दिया गया है। मंदिर में पंडित द्वारा पूजा की जा रही है और श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ अभी भी मंदिर में जाके पूजा याचना करने जा रहे हैं। दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसके विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। प्रशासन से फिलहाल यही देखा जा रहा है कि वो भीड़ को कैसे निपटा सकते हैं। लोग एक एक करके मंदिर में जा रहे हैं और फिलहाल के लिए लोग पूजा करने जा सकते हैं, लेकिन सुबह की भीड़ की वजह से 7 लोगों की जान चली गई है और फिलहाल बहुत ज़्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं जो निजी अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।